वासिम की गाड़ी किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल बासिम का घर यही है? घर तो यही है, लेकिन आप कौन है और ये बासिम की गाड़ी आपके पास कहाँ से आई? अंकल वो बासिम का बेस्ट फ्रेंड है ना जुनेद। हाँ? उसका कजन हूँ, उसने अपनी गाड़ी सेल कर दी है। ये गाड़ी सेल कर दी? जी अंकल, 3 दिन पहले। वो जरा बासिम को बुला लें, बता दीजिएगा जुनेद का कजन आया हुआ है। गाड़ी यहीं छोड़ के जाओ और जुनेद से कहो कि मुझसे करे बात, जैसा आपको सही लगे। बस कह दो उसको, ठिकाई करूंगा ना उसकी, आज जिंदगी भर याद रखेगा ये। यार उन्हें मेरे को 10 लाख मांगे सुन, कह रहे थी नहीं तो गड्डी बेच देगा। इतने पैसों से वलीमा कर रहा था उसने दूसरा अपने बाप का? पर बाबू जी आप मुझे आज बता रहे? आराम ना यार, आराम ना। मैं समझा है वही मार रहे है, गड्डी थे उन्हें जान तो ज्यादा अजीज थी, वो किस तरह बेच सकता है? बाबू जी एक मिनट, ये ले। आ जा बेली, तेन पता सी बासम ने गड्डी बेचती? का नहीं, मुझे तो नहीं पता। सच सच बता बेला, झूठ मत बोल, हमेशा नाजायज फेवर दिए तूने उस झूठ को। नहीं ना, बेली झूठ नहीं बोल रही, देखो दिया अखा दस रही है, उन्हें नहीं थी पता। हाउ जाना कसम ले ले, मुझे सच में नहीं पता। है कहां वो इस वक्त? शायद अपने रूम में होगा। उन्हें मेरे कमरे में भेजो, उससे गल्लां होनगियां बाकी। तो बताना नहीं है कि मैं पता चल गया गाड़ी। आ जा। लो जी, पूरा 2 लाख रुपया खर्च होना है प्लाट की रजिस्ट्री पे। हाय हाय साकी, इन्ने च ते साडियां टिकटां आ जानियां सन वापसी दियां। अभी टिकट कहां से आ गया बीच में? यहां से प्लाट आ गया बीच में। मैं ते आनी हां बाऊ जी नूं एंजी दे देने रजिस्ट्री, जो करना होगा आपे ही कर लेंगे। एडी तू चलाक मासी, जो करना होगा आप ही कर लेंगे। और जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, बाबूजी की सोच वहां से शुरू होती है। साफ कह दिया उन्होंने, नो रजिस्ट्री नो निकाह। तो प्रॉब्लम क्या है? आप लोग फीस पे करें और प्लॉट बेला के नाम पे करवा दें। टेल हिम साकी, टेल हिम। इनिया मेहनत मजदूरियां मुशक्तां कर करके दिन राती काम कर करके सियालकोटी तड़के ते सी पैसे जोड़े से। मोमई तो आप हर बात गलत साइड पे ले जाती हैं। जब बाऊजी से वादा किया तो पूरा कर दें। तेरी बेलने च बाह पे क्यों आंदी है? जाहिर हमने गले में ये खुद फंदा डाला है, तो खुद ही इसको खींच के काम पूरा करेंगे कि नहीं? ओए एक तो तुम मां पुत्र की चोंच हर वक्त लड़ना शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा ललो सोचने दो मुझे कि मैंने करना क्या है। सोचने के लिए अब टाइम ही कितना बचा है? गिनती के 4 दिन, 50 लाख रुपया देना बाऊजी को। माँ वैसे मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। काला मुंह ते नीले पैर। सोकी मैं तेनू कह रही हूं इन्हें बॉस कर ले, सुने ते असला दे इन्हें कहा तो पहला इसी फेंटी पैनी ना मेरे को याद रखेगा ही। मैं चला ही जाता हूँ यहाँ से। मैं तुम्हारी जुबान के आगे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है? तुझे अपना सेल्फिश बेटा नहीं नजर आ रहा जिसने माथे पे आंखें रख ली है? उसके लिए 1.5 करोड़ के प्लाट और 50 लाख रुपए की वैल्यू ही कोई नहीं है। तो जनाब ने कहा आंखें रखी हैं? बाबूजी की प्रॉपर्टी पे। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना? हमें तो खोना और खोना ही पड़ रहा है बस। तेरी बहन की बेटी बेला की लॉटरी जो निकल आई है। अगे तेरे पाग लच्छी है। ओए उतरिया दे पाग। क्या बदतमीजी है बासिम? बदतमीजी तो कल हमने बाजगर दादू के साथ की है, बहुत बुरा लगा होगा ना उन्हें। सोच सोच के शर्म आ रही है, अगर उन्हें पता चल जाता तो हम क्या बोलते? हमसे ज्यादा शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो पूरे घर में चुगलियां करती फिर रही हैं।
इसके कागज ही मुकम्मल नहीं हो रहे। जरूरी कॉल बाद में सुनो, अभी खालू जान और बाबूजी रूम में बुला रहे। सीरियस शक्ल क्यों बना रखी है? चलोगे ना, खुद ही पता चल जाएगा। जाए जाए, पहुंचा दे ये खबर भी हेडक्वार्टर। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? दादी जी, क्या बिगाड़ा है मासूमों ने आपका, जान छोड़ दे हमारी। तुम लोग जो सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो ना, वो सबको पता लग जाएगा। कहाँ है वो बेटा? वो खालूजान बस आ रहा है। ओए आज का हथौला रख। जी आप कुछ नहीं बोलेंगे आज। हाँ भाई, वे कहा था गाड़ी मंगवा ले वर्कशॉप से। आ जाएगी शाम तक। किस सदी की कौन सी शाम की बात कर रहा है? आज की शाम की बात कर रहा हूँ भाजी। कौन सी वर्कशॉप में थी गाड़ी? चिराग दीन की वर्कशॉप में है। हुआ क्या है? देख रहे भाजी, ये अपने स्पेठे की चलाकियां, हमारे सामने हमारे ही चिराग बुझा रही। एमीना मेरे पीछे पड़े रहा करें भाजी। तो क्या करें, तू दुनिया जान के झूठ बोलता रहे और हम तुझसे पूछे भी ना, और शक्ल से गौदी लगते तुझे। क्या झूठ बोला जी मैंने? बताए जी बाबूजी, पूछे। तू गड्डी क्यों बेची? बोले, अब जुबान पे फालज गिर गया तेरी। मेरी चीज थी, बेच दी। खालू जान सुबह चलाता है बाबूजी के सामने, गंदी औलाद। हड्डियां घिसाई थी बब्बू एंड बूटा स्वीट्स पर, और अपनी सैलरी से खरीदी थी वो गाड़ी। बाबूजी जुबान की लंबाई और इस झूठ की चौड़ाई देख रहे प्लीज। मुझे आप पूछते क्यों नहीं इससे? दसव है आशु पुत्र, तो क्यों ऐसी गड्डी? उधार मांगे थे ना पैसे आपसे, मिल जाते तो ना बेचता। हाँ, तेरे लिए तो लाखों रुपए वो झोली में डाल के बैठे थे, तो हुक्म करता कदमों में धर देते तेरे। ये टेले निकाल निकाल के ना दिखा, मैं हथेली में रख दूंगा तेरी। बदला है, इस घर से ही निकल जाता हूँ, सुकून आ जाएगा अब सबको। क्या बेची तेरों हथौला रखी? हथौला ही रखा है जी, तो वकिया से एक दिन थी इसकी आज। मुंह चुक के निकल कर। जिसकी ऐसी औलाद हो ना जी, उसे खुद ही कहीं मुंह कर जाना चाहिए। और तू भी सुकून रख, और मेरे चेकबुक इतने ले गया, मैं चेक लिख देना, तू दोस्त मुंह दे दे जाके चेक से गड्डी ले जा। तो लेनी पड़ेगी जी, लेकिन इतने पैसों का किया क्या इसने? यार जो भी कट्टा कटी होएगा निकल जाएगा, चेक बोल निकल ना जाए जा। मैं बताता हूँ जी जाके इसकी माँ को इसका कारनामा। तुम फिर घर छोड़ के जा रहे हो? हाँ, और अगर इस बार मेरे पीछे आई ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो ये भी नहीं होगा कि पूरा खानदान इकट्ठे है और तुम उनको एक नया टॉपिक दे के जा रहे हो गॉसिप करने के लिए। आई डोंट केयर, जिस घर में मेरी टके की इज्जत ना हो मैं वहां नहीं रह सकता। बासिम, तुमने क्यों नहीं खालू जान को बताया, क्यों ये बात छुपाई थी? तो बता के कौन सा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाना था। इतने पैसों का क्या किया तुमने? तुम भी ये पूछोगी मुझसे? मैंने तो सुना था मोहब्बत में बड़ी दिल को दिल से राह होती है। चूड़ियां खरीदी है ना तुमने? चूड़ियां नहीं थी वो मेरे लिए, कर्ज था जो उतार दिया। तुमने फिर भी गाड़ी बेच के अच्छा नहीं किया बस। तो मेरे साथ अच्छा किसने किया? अपने आप को ही देख लो, जब से तुमसे मोहब्बत का इतराफ किए तुमने आंखें अपने माथे पे रख ली हैं, ऐसे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मोहब्बत इंसान को कुर्बानी देना सिखाती है, तुम तो आज तक बदले ही नहीं, अभी भी सिर्फ अपना सोच रहे हो। बेला हाँ, मैं नहीं बदला, मैं जैसा पहले था आज भी वैसा ही हूँ। अगर कोई बदला है ना तो वह तुम हो। हालात में ढल जाने को बदलना नहीं कहते बासिम।
तुम भी अपने दिल को समझाओ। दिल को मजीद समझाया ना तो मर जाऊंगा, मजीद खुद को नहीं बहला सकता, इसलिए जाने दो मुझे। तुमसे जरूरी बात करनी थी बस, मैं रात नहीं कर पाई। साथ होगी मेरा? मुमकिन नहीं है, यही समझाना था तो। नहीं समझना चाहता मैं, इसलिए मजीद टाइम वेस्ट मत करो मेरे ऊपर अपना। और लाल बे, और तू कहाँ जा रहा है? घर छोड़ के जा रहा हूँ, कर दे पूरे शहर में ऐलान। अब मेरी बात तो सुन, तू चला जाएगा तो किशमिश से निकाह कौन करेगा? आपका गुल्लू है ना, बहुत अच्छा है, दोनों बहुत ही अच्छे लगेंगे एक साथ, क्या पता बेस्ट कपल का अवार्ड भी मिल जाए ठाकुर साहब की तरफ से। तूने भांग तोरी पी रखी? नहीं नहीं मामू जी, आज नहीं पी, लेकिन उस दिन जरूर पी थी जिस दिन ईशा के लिए हाँ की थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो ऐसा ही हूँ मामू जी, पास करें या बर्दाश्त करें। सुन लिया ना अपनी आंखों से? ओए फूफी, ओए कानों से सुनते हैं आंखों से नहीं। मैंने तो इस लड़के का माथा देख के कह दिया था, बड़ा ही टिका हुआ, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। एक काम कर, तू ना आस्ताना है बीबीसी खोल ले, वो इनकम की सूरत भी बनेगी। अरे तेरी पेशीन को यहाँ सुन सुन के कान पक गए हैं। हेलो हेलो बख्तियारिया, ओ जल्दी कर, गुल्लू को टोबे के बस स्टैंड पे पहुंचा। हाँ उसको कहना कि कोई बुशर्ट ते पैंट लाए ते सेंट शेंट ला के आए, और मुझे लगता है उसकी लॉटरी खुलने वाली है। फटाफट जल्दी कर। हाँ ठीक है, चल वही बाजगा, निकाल अपनी माचिस ते लगा चारों पासे तीलियां, हर पासे बांबड़ी बांबड़। वाह बाजगा वाह, चल वही गुल्लू तेरे ते नसीब जागे। बासिम, बासिम बैग लेके कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब, जहां मर्जी जाऊं। क्या हुआ है, मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हो? मेरा तो यही स्टाइल है बात करने का, तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो। ये क्या एटीट्यूड है, कुछ ही दिनों में हम लाइफ पार्टनर्स बनने वाले हैं। लाइफ की बैंड बज गई है, पार्टनरशिप क्या खाक करूंगा तुम्हारे साथ। हुआ क्या है, कहां जा रहे हो? तीजू की मलिया, चलोगी? बासिम और मेरी बात सुनो, वो बैंगल्स बेला की थी और मैंने दे दी उसे। क्यों, बेला को क्यों दे दी? क्योंकि उधार पैसे लिए थे मैंने उससे और भूल गई। तुम ही ने मशवरा दिया था ना कि आर्टिफिशियल बैंगल्स ले आओ ताकि बाऊजी मुतमईन हो जाए। ये वो वाली बैंगल्स थी? जी हाँ, जिनको बाजगा दादी ने देखकर रौला डाल दिया था कि तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये बात बासिम तुमने भी कही थी? मैंने नहीं, मदर टेरेसा ने की थी। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि ये बात करूंगा तुमसे। आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? करना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अफसोस, माय बैड लक। मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? मेरे जाने से क्या होता है? तुम किस स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो रही हो? गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत। किस बात पे? क्योंकि चीटिंग हो रही है तुम्हारे और मेरे साथ। कैसी चीटिंग? कुछ तो है जो बेला और बासिम हम सब से छुपा रहे हैं। यार मेरे पास ना पजल सॉल्व करने का टाइम नहीं है, मुझे बताओ कम टू द पॉइंट क्या बात है। बात तो अब होगी, लेकिन सब बड़ों के बीच में बैठ के। चलो मेरे साथ। ओए मेरी बात सुनो, मैं वकील के पास जा रहा हूं, डैड का काम है। पहले अब ये बात क्लियर होगी, कहा है ना यार ईशा। चलो ईशा, ईशा ये तरबियत की तुमने अपनी औलाद की? नहीं आपने थप्पड़ क्यों मारा है उसे? मैं कसम देना सी उन्हें, बेवकूफों वाले फैसले करेगा तो ताज बना के सिर पर टांगूंगा। बेली कहां है बासिम? वो खाला मी, वो गुस्से में कहीं चला गया है। कौन सी पुप्पी के पास गया होगा? वहीं गया होगा रॉकेट के फ्लैट पे, खजल खुआ रहा उन्हें। और तूने रोका नहीं उसे? इतने मेहमान घर में जमा हुए हैं, अब कोई नया तमाशा लगाना है?
मैंने तो रोका था खाला अम्मी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वैसे गाड़ी के पैसों का क्या किया उसने? पक्की एजेंट है उसकी, नहीं बोलेगी, नहीं बताएगी। बेली, वो वही चूड़ियां खरीदी हैं जिनको बेच के मैंने उसके वीजे की पेमेंट की थी, और बाबूजी से कह दिया था कि मेरी दोस्त पहनने के लिए ले गई है। एक और बगैरती चेक कर लो अपने पुत्र की, यतीम मस्कीन की चूड़ियां तक बेच के खा गया। नहीं नहीं खालू जान, उसने मुझसे वादा किया था कि वो वही चूड़ियां मुझे वापस बनवा के देगा। उत्तर लाइया किथे ते दबाइया किथे हैं? वो चूड़ियां ईशा को क्यों दी उसने, बोल। लाया तो मेरे लिए था, लेकिन वो बाजगा नानों ने हर तरफ ही बात फैला दी कि वो ईशा के लिए लाया क्योंकि शायद खाला अम्मी ने कहा है, और फिर उसने कह दिया वो आर्टिफिशियल है। वैसे देखने में तो मुझे भी शक पड़ा था, फिर मैंने सोचा पहले की तरह आर्टिफिशियल ले आया होगा। तुम कवर कर लो अपने बेटे की मकारियां, वो जो इज्तमाही तौर पर टीका लगा के चला गया हम सबको। कहा तो मैं नहीं था उसको कि बेला की चूड़ियां कर्ज है तुझ पे, वो तो शायद माफ कर देगी लेकिन तेरी मां नहीं माफ करेगी। तो यूं कहो ना मलका जज्बात, ये सारी आग तुम्हारे फिल्मी डायलॉग्स की लगाई हुई है, और मुझे आशिक हुसैन एडवोकेट को कानो कान खबर नहीं हुई इस किस्से की। अच्छा छोड़े पर ना, आप जाकर मना लेना उसे। मैं ना किसको मना के लेके आऊं, रूठी हुई महबूबा है मेरी कि दरख्त के लिए गाना गा के उसे मना के ले आऊं? वो जाने उसके बाबूजी जाने, लाखों रुपए के चेक दे रहे हैं उसकी बेवकूफियां कवर करने के लिए। मैं बाबूजी से बात करती हूँ अभी। ये नवासा नवासी बैठेंगे अपने नाना के गिट्टों में इंशाल्लाह। इन्नी जहरीली बातों की वजह से ना सारे केस हार गए आप जिंदगी में। केस और भी हार जाता जी आपसे शादी वाला, तो ये उम्र कैद तो ना होती मुझे। वाह मुशक्कत, सूली पे तो मुझे टंगाया हुआ ना सबने मिलके। और दिलबर साहब, आपकी दिलबरी जो है ना वो बाबूजी के सामने नहीं चलनी, जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप वो सुने। मैं विकी को भेज रहा हूँ कचहरी, आप लाड के कागजात तैयार करवाएं, और वरना मेरे पुत्र का निकाल लटक जाना यार। अरे यार पैसे तो कहाँ टक रहा, तू तो चुप कर। अब नहीं नहीं वो मैं आपको नहीं कह रहा, बस आप कागजात बनवाए, जहाँ पे कुगी मारनी होगी ना मैं मार दूंगा। हाय 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 हाय, ओए मेरे अल्लाह तौबा तू। तो क्या हो गया पुफी, कहीं आग तो नहीं लग गई? आग नहीं लगी, काली हनेरी आ गई है तेरे जेठ और जेठानी की जिंदगी में। मैंने तो मना किया था पर मेरी सुनता कौन है। हाँ पुफी, और मैंने तुम्हें 36,000 दफा कहा कि अति पचती बात मत किया करो, किसी दिन डायरेक्ट दिल का दौरा पड़ जाना मुझे। और दिल का दौरा तुझे नहीं, निक्की और रफाकत को पड़ेगा। उनका होने वाला जुआई जो था ना, और निकाह से पहले तो बैग शैग बांध के तो निकाह से इनकार करके चला गया। Isn't it very shocking, by the way? और ये शाकी टाकी का मुझे नहीं पता, बासिम ने ना ईशा के साथ इनकार कर दिया है निकाह से, तो जाते जाते उल्टा मुझे कह के गया है कि वो जो आपका गुल्लू है ना उससे बना ले उसका कप। पुफी कप नहीं कपल। वही वही, मैंने तो पहले कहा था ये रिश्ता सिरे नहीं चढ़ना, मैंने ख्वाब ही नहीं अच्छा देखा। एक तो पुफी मैं तुम्हारे इन ख्वाबों के मीना बाजार से बड़ा तंग हूं भाई। और मेरे ख्वाबों को छोड़ पुत्र, हकीकत की दुनिया में चाती मार, सड़ी हुई तोरी की शक्ल बना के तेरा परा तो तेरी भाभी बैठे, जा देख। मैं देखता हूँ जाके। चल फिर जो तू चल इत्थे बह के वरा की करना है। ओ वार अजगा वार, तूने भी बाज नहीं आना। ऐसे सांड की तरह खड़ा था जैसे मेरी बेटी से निकाह करके बड़ा एहसान कर रहा है वो। किस बात का एहसान है, दिन रात तो जतन कर रहा था बाहर जाने के लिए, तरस रहा था, अब इतनी बातें सुनाकर चला गया कमीना हमें। आप लोग खुद अंदाजा लगा लो, उसने बेला का कर्ज उतारने के लिए अपनी गाड़ी तक बेच दी। बात उसकी कार की नहीं है, उसकी एटीट्यूड की बात है। ईशा मेरी बात मानो, तुम्हें बाबूजी से बात करनी चाहिए। पाए ना ये मैंने क्या सुना है, वो कैसे की चंगड़हाना लाया था जी। आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया, किसने बताया आपको? कीप क्वाइट। ठीक है भाई कि आजकल हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर किसी के किड को भी कोई तकलीफ पहुंचेगी तो हर्ट तो हम सब होंगे ना। क्यों बाजी निक्की, बस बस रहने दे, अपनी हमदर्दी है ना अपने पास ही रखो। निक्की बाजी जो बात सुनी है काफी अफसोसनाक है।
और अगर सुनाने वाली बाजगा फूफी होगी ना तो हर चीज को चार से मल्टीप्लाई कर लो। और तुम लोग कुछ भी कहो, बाजगा ने बाज नहीं आना सच बोलने से। मुझे तो मेरी छठी ने पहले ही बता दिया था कि कोई ना कोई खच मारेगा ये इफी का मुंडा। ले हां साडी बेबू नाल कोई खच मार के ते वहाए हां मैं चीर ना छांगी। और तुझे मेकअप से फुर्सत होगी तो तू कुछ करेगी ना, दुनिया जहान की क्रीमें मुंह पे लगा ली पर फटकार ना खत्म हो। ओ पुफी जी क्या करती हो, कौन सा नया कटा खोल रही हो आप? ये सब कुछ करने की बजाय बहू जी से जाके बात करेंगे। क्या बात करें, बूटा अपने बेटे के खिलाफ कोई बात सुनेगा? पर हम भी अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे पप्पी जी। अब इससे गलत और क्या होगा, वो नहीं चाहता वो तुम्हारी बेटी बोबो से शादी करना, वो जबरदस्ती उसको पकड़ोगे कराओगे उसकी शादी। तो फिर वो कहाँ करना चाहता है शादी? ओ अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे पप्पी बोलती है। पप्पी तुम एक काम करो, तुम ना किसी तोपखाने में तोपची की नौकरी करो, चार पैसे भी आएंगे और तुम्हारा चस्का भी पूरा हो जाएगा। तुम कुछ भी कहो, बाज का बाज नहीं आएगी तीली लगाने से। हाँ जी बेली एक गल याद रख, जेड़े गजदे ने वो वसदे नहीं। चूत अच्छा खासा बरस के गया है ना, उदा गुस्सा बढ़ता दे नहीं सी, आखिर उसे दिमाग की चल रहे? मैं समझी नहीं बाबू जी। देख पुत्र इमोशनल कुकड़ थे पहले ही से, पर इना कुकड़ू को नहीं सी करता, खून से उछल उछल के चुंजा मारन लग पे। बाबू जी आपको पता कि बासिम ने क्या किया? लगता है इन्हें भी चुंज मार के चला गया। आई एम सीरियस बाबू जी। तेरा की ख्याल है, मैं सीरियस नहीं हैगा। बाबू जी बासिम ने अपनी गाड़ी बेचकर गोल्ड की चूड़ियां खरीदी हैं बेला के लिए। बेला ले? नहीं बाबूजी, वो कर्ज लिया था ना उसने मुझसे, उसके लिए। और उन पैसों के लिए इन्होंने कितनी डर्टी गेम की है पता है आपको? ओए मेरी बेली किसी गेम का हिस्सा नहीं बन सकती। बाबूजी बासिम को वो पैसे चाहिए थे वीजा के लिए और इसने आपके लॉकर से अपनी मदर की बैंगल्स निकाल कर बासिम को दे दी। बताओ ना कितने लाखों की बिकी थी वो। ईशा फजूल गल ना कर, वो चूड़िया वेचिया ने सन किसी नु दितिया सन। ए बेला ने अपनी सहेली नु पान हसे, मैं अपनी अखा नाल देखी है। नहीं बाबूजी, जो आपने चूड़िया देखी थी वो तो आर्टिफिशियल चूड़िया थी, क्योंकि असल चूड़ियों के पैसे तो ऑलरेडी बासिम एजेंट को दे चुका था बेला से लेकर। बेले की कह रही है बाबूजी? वो बासिम को जरूरत थी। तू ओदी जरूरत पूरी करन लई मैनू धोखा दिता अपने बहू जी नू? झूठ बोले मुझे बताना था आपको बहू जी ने। नहीं नहीं कुछ नहीं सी दस रहा, तू भी अपने मामिया की तरह खुद गर्वी निकली है। झूठी बोल, भाभी मेरा भी लिहाज नहीं किया, अपने बहू जी के जज्बात की एहसास की कोई अहमियत नहीं तेरी नजर च? नहीं बाबू जी नहीं आया मैं तेरा बाबू, चली जाए तू, निकल जा। जी उन्हें बेच ही दीतिया सुन, तू चुगली क्यों मारी? क्योंकि बाबूजी वो इतनी बदतमीजी करके गया था मेरे साथ और डैड के साथ। दिखी खुद तो ते गुस्सा कुमार थे। बताओ क्यों रो रही हो, बासिम के जाने की वजह से अपसेट हो? बेला मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने ईशा के साथ क्या बुरा किया? ईशा ने क्या कहा है? ने मुझे बाबूजी की नजरों में गिराया, उसे कभी माफ नहीं करूंगी। विकी बेला क्या कहा है तुमने बेला को? तुमसे बेला ने कहा है कुछ? मुझे जिस मर्जी ने कहा हो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या कारनामा किए। नीचे चलो बताती हूँ। चलो मैं आ रहा हूँ।
अच्छा तो ये शिकायती टोला, मेरा मतलब शिकायती वफद आया है बासिम के सिलसिले में। हाँ तो हमारी तीतियाणी का मामला हमने तो आना ही था आशुपान। हमारी तीतियाणी तो हमारी तीतियाणी रिश्ता तोड़ते हुए नजर नहीं आई। उस सुलेमानी टोपी पहन रखी थी तीतियाणी ने। भाई आशिक ये पुरानी बातें जो है ना ये ना रिपीट कर। और इफी पाए ना आप जरा दो मिनट के लिए ना मुनाफकाना खामोशी इख्तियार करें और मुझे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ना ये सज्जों से कुछ सवाल जवाब कर लेने जरा जी। ओए आशिक भाई ना तो ये आपकी अदालत है और ना ही उसका कटहरा जो आप हाथ धो के मेरी बुड्ढी के पीछे पड़ गए। यहाँ कोई कबड्डी का मैच भी नहीं हो रहा जो आप कौडी कौडी करते मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए। ना तो आपका बच्चा रिफी के सामने इतनी जुबान चला के गया वो। ना तो देखिए भाभी वो बाप बेटे में थोड़ी मुंह मारी होगी थी ना तो गुस्से में कुछ कह गया वो ज्यादा। कोई बाप बेटे में मुंह मारी हो गई ठीक है करे, और लेकिन बेला को जा के बंगे तो ना चढ़ाए मेरी बेटी को हर्ट करने के लिए। और नहीं तो क्या जरूरत थी इसको ईशा के सामने झूठ बोलने की। रब दा वास्ता निकी भाभी नुदरत की चूड़ियां हैं वो तो ऐसी पप्पो ने तुंगड़ी छोड़ दी है कि वो ईशा के लिए लेकर आया था। और वैसे भी शर्मो शर्मी चुप कर गया बासम और कर्जा उतारा है जी उसने को गलत बात नहीं की। और वो जितने मर्जी कर्ज उतारे मुल्क संभारे लेकिन हमारी बच्ची का मामला जो है ना वो दुरुस्त रखे। आपकी बच्ची का मामला दुरुस्त ही है रिफी पायन, आप ही जरा ना लोगों की लगाई हुई लुतियों पर जरा कम ही गौर करें। ओए आशिक भाई ना आपका मतलब है ये लुती जो है ये हमने लगाई है। लो जी चोर की दाढ़ी से तिनका ही नहीं झाड़ू ही निकला है पूरा। ओए तू छाड़ी झाड़ पूछ को तू बासिम को बुला मैं खुद बात करूंगा। पायन सियाने ब्याने हैं आप, जवानी आई है आप पे भी, जवानी में हो जाता बंदा अथरा, ऐसी कौन सी बात है, दो तीन दिन में आ जाएगा कर लीजिएगा बात। मैं ना बेला से पूछती हूँ शायद उसको कुछ पता हो। रिफी बाजी ना बुलाए उसको, ऐवी बेला को भी पट्टियां पड़ाएगा पुठियां सीधियां। मैडम सज्जो आपके ना मैनीक्योर पेडीक्योर का टाइम हो गया, क्योंकि नकाब है लोगों ने लड़की माँ के हाथ पैर ही देख रहे हैं। डोंट टॉक टू मी, टॉक टू माय हैंड। हाथ तो उग रहा है अब मैनीक्योर। दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़के ने मेरा, समझ ही नहीं आ रही क्या करूं मैं। क्या हुआ खाला अम्मी? ये चूड़ियों के चक्कर में ना जलील करके रख दिया पूरे खानदान के सामने। तुझे क्या हुआ? तू रो रही थी? ये जरूर इस बासम के बच्चे ने ना फिर को बकवास की होगी, इसको आदत ही पड़ गई है इतना जाती करने की, मैं लिटर मारने इसको। बाबूजी मुझसे बहुत नाराज हो गए। बाबूजी तुझसे कैसे खफा हो सकते, तुझे कोई गलत फहमी हुई है बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईशा ने उनको बता दिया वो चूड़ियों वाली बात, हमने झूठ बोला था। इस ईशा की ना तो मुझे लगता है मत मारी गई अपने बाप की तरह। क्या मतलब? रिफी मामू ने आपसे कुछ कहा है? नहीं क्या, कुछ नहीं कहा उन्होंने, बतेरा कुछ कह दिया है। इस लड़के ने तो नाक ही कटवा दी पूरे खानदान के सामने, उसको समझा बेली के वापस आ जाए ना। कौन है फल्ला? मैं हूँ और कौन है? कमाल नहीं किया, कमाल की लाती तोड़ के आ गई हो तुम भिड़ो और डेंगुओं के छत्ते में मुझे अकेला छोड़ के, तो यहाँ बेला की ये बतियों वाले घोंसले में आके चुप के बैठ गई। हौली बोलो, मैं तो इसके पास आई थी कि इसको कहूं कि बासम को समझाए। और तुम जाके अपने भाइयों को समझाओ, उनका तो बस नहीं चल रहा, वो बासम को उठा के ले आए और वो खोता और गधा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। ना तो बाबू जी को बोलो उसे फोन करे। बाबू जी वो अलग एटीट्यूड दिखा रहे हैं भाई, वो तो नई नवेली दुल्हन की तरह वो कुंडी लगा के बैठ गए हुजलाए रूसी में, मेरा बताओ अपने कमरे में पता नहीं किस किस्म की तब चढ़ गई उन्हें। बेली तू फोन करना बासिम को, तेरी कॉल उठा लेगा वो। कर लेगी भाई वो फोन, तुम चलो बाबू जी के कमरे में, दुश्मन की फौजें पहुंच गई होंगी अब तक। तो बाबू जी खोल ना दे दे। और तू चलने दे कार भाई, तेरी मेहरबानी, चलो चलो शाबाश। बाबू जी प्लीज दरवाजा खोल देना, उसके बैठ गए। पता भी तो चले अंदर चल क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि बाबूजी अंदर वेब सीरीज देख रहे हैं। ओए तू इसे बर्दाश्त कैसे करता है? पायन सही कह रही है, बाबूजी ने कल खुद मुझसे पासवर्ड मांगा था नेटफ्लिक्स का। हैं बाबूजी खोले ना दरवाजा, क्यों निक्की निक्की बातें दिल पे लगा लेते हैं, खोल ही नहीं रहे। अब मुझे सच सच बताओ तुम लोगों में से किसी ने कोई दोबारा खच तो नहीं मार दी और जो बाबूजी नाराज हो गए दरवाजा नहीं खोल रहे? बासिम को वो पैसे चाहिए थे वीजा के, और इसने
आपके लॉकर से अपनी मदर की बैंगल्स निकालकर बासिम को दे, बताओ ना कितने लाखों की बिकी थी वो। निक्की बाजी, मुझे तो लगता है आपके होने वाले जवाई ने कोई ऐसी बात की है जो बाबू जी के दिल में खुब गई, ऐसे लिए उन्होंने बुआ बंद कर लिया अंदरों। लो जी शुरू हो गया एक दिन सज्जो के साथ। सज्जो तू ऐसा कर, तू टीवी पे ना कोई पॉलिटिकल शो ज्वाइन कर ले, ये जो तेरी तबसरे और तुक्के हैं ना ये रेटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैं पूछती हूँ बाबू जी को। तुसी भी वो टकरा मार लो बुए च जड़ियां सी नहीं मार सके। बाबू जी ऐसा क्या हो गया कि आप दरवाजा लॉक करके बैठ गए हैं? खोले ना बाबू जी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है अंदर की खामोशी से। हाय, मुझे तो लगता है ये वाली खामोशी ना कोई बहुत बड़े तूफान की निशानी है। लो जी आ गई है बाबूजी की सबसे सुखे लद्दी निवासी, और अब तो दरवाजा जरूरी खोलेंगे इसकी आवाज सुन के। ना बहन, बच्ची है, इतना प्रेशर ना डाला करें आप इस पर। और जब बच्ची ने प्रेशर कुकर बना दिया हम सबको, सबसे ज्यादा तो यही थी बाबूजी के करीब, पता नहीं क्या कान भरती रही है। मेहनत कर, हसद ना कर, जलने वाले का मुंह काला। वो आप उतर, तू आके दरवाजा नॉक कर बाबूजी कमरे। नहीं खालू जान, बाबूजी दरवाजा नहीं खोलेंगे। ओए तो फिर रोटी खोल दियो, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो गया। भाईन रोटी तो बाबूजी ने भी दोपहर से नहीं खाई। वो तो हम कौन सा दोपहर से, देखो पे बैठे हुए तत्ते तवे पे तो बैठे हुए ना। तू तो चुप ही करना। देसी टिंडे जैसी तेरी शक्ल है, घर पे सालन भी वही बनवा रखा है। लॉकडाउन लगा था, जो मिला दोस्त से कहकर पकवा लिया। क्यों भाई, मुर्गियों को बर्ड फ्लू हो गया था या बकरे स्ट्राइक पे चले गए थे लॉकडाउन में? बॉस आज खा लें, कल पक्का मैं आलू गोश्त बनवा दूंगा। मैं पास रख अपना आलू गोश्त। अच्छा भला हलीम बना हुआ था घर में, तो घर से खा पी कर वॉकआउट करते, बिस्मिल्लाह करें पानी लेकर आता। हेलो हेलो बेला, बोल क्यों नहीं रही हो यार? हेलो, तुम रो रही हो? अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कुछ कहा है? कुछ बोलो तो सही। बाबूजी मुझसे नाराज हो गए बात से। सवाल ही पैदा नहीं होता, सबसे ज्यादा अजीज हो तुम उन्हें, तुम्हें तो भाई 100 कत्ल भी माफ है। जो सबसे ज्यादा अजीज होता है ना इंसान, हर्ट भी सबसे ज्यादा उसी से होता है। अच्छा तुम रोना तो बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ। हासिम मुझे तुमसे मिलना है, तुम अभी घर आओ। बिला यार प्लीज मुझे किसी आजमाइश में मत डालो, मैं घर नहीं आ सकता। फिर मैं घर के पास वाले पार्क में जा रही हूं, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगी। हेलो ये हटा टिंडे और चाबी निकाल बाइक की। बॉस सब पहचान जाएंगे कि मेरी बाइक है। तेरी बड़ी लैंड क्रूजर है ना, वीआईपी नंबर वाली, जो पहचान जाएंगे। चाबी निकाल। बॉस मैंने सबसे ये कहा है कि मुझे नहीं पता आप इस वक्त कहाँ हैं। तुमने सोचा नहीं हरकत करने से पहले? मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। और वो जो आर्टिफिशियल चूड़ियों वाला मसला था, वो मशवरा किसने दिया था बेला और बासिम को? मैंने। और ये बात तुमने बताई बाबूजी को? नहीं। इसीलिए नहीं बताई ना क्योंकि तुम्हारी पोजीशन ऑड हो रही थी बाबूजी के सामने। I'm sorry विक्की, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। ईशा सॉरी मुझे नहीं, सॉरी बेला को जाके करो जिसे हर्ट किया तुमने। उस बासिम का गुस्सा था जो बेचारी बेला पे निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बेला को कैसे हर्ट कर सकती हो, उस बेचारी ने हर मसले में तुम्हारा साथ दिया। बात करो उससे, सॉरी बोल देना आप। बेला प्लीज कैन वी टॉक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहाँ जा रही हो? मैं सोफिया के घर जा रही हूँ, खाला मी को बता दो। ये अपनी फ्रेंड की तरफ क्यों जा रही है?
जब इंसान हर्ट होता है ना तो फ्रेंड की तरफ ही जाता है। डिस्टर्ब तो भाऊजी भी बहुत है। ऋषा तुम्हें भी सोचना चाहिए था, कभी कभार करीबी रिश्तों को हर्ट होने से बचाने के लिए बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। मुझे कहां अंदाजा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि अगर सेल्फिश की एक शक्ल होती ना तो सेम टू सेम तुम्हारे जैसी होती। ईशा का गुस्सा गलत जगह निकाल रही है। और तुम जो अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना डिप्रेशन हमेशा मुझ पे निकालते आए हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा वासे? बहुत अरसे से ऐसा करना छोड़ दिया मैंने बेला। हाँ, क्योंकि तुमको मुझसे मोहब्बत हो गई थी, उससे पहले एक टके की औकात नहीं थी मेरी चाहत की तुम्हारे सामने। क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतना अग्रेसिव हो रही हो? क्योंकि जिस बात से मैं डरती थी ना बासिम, वही बात हुई है। बाऊजी को मैंने हर्ट किया है तुम्हारी वजह से बासिम। अब दुनिया की कोई भी चीज मुझे मिल जाए, मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तुम्हारी मोहब्बत से भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेला। सब कुछ तुमने किया है बासिम। ईशा को तुमने बताया, मामू से बदतमीजी भी तुमने की थी। तुम्हें क्या लगता था ऐसा करने से तुम मुझे पा लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा बासिम। तुम सोने के भी बन के आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगी। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हारे दिल ने चाहा। तुमसे वाबस्ता रिश्ते क्या चाहते हैं तुमने कभी सोचने की जहमत तक नहीं की। तुमने हमेशा रिश्तों को जूते की नोक पे रखा है बासिम। जब तुम्हारे सर पे भूत सवार था बाहर जाने का, तुमने एक बार भी सोचा कि खाला अम्मी और मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? और जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो तुमने एक मिनट में अपने सारे ख्वाबों को भुला दिया। ये खुदगर्जी नहीं है तो क्या है बासिम? मैं सेल्फिश नहीं हूं बेला। बासिम, तुम खुदगर्ज हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो अपने निकाह से चार दिन पहले यूं ना भागते घर से, ईशा से वो बातें नहीं करते जिसकी वजह से उसके सामने मेरी पोजीशन वीक हो जाती। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो रिश्तेदारों से ऐसे बदतमीजी ना करते जिससे तुम्हारी तरबियत पे सवाल उठते। मुझे गलत समझ रही हो यार। मैं ही तुम्हें सही समझी हूँ बासिम। और अब मुझे अफसोस होता है कि तुम जैसे शख्स के लिए मैंने बाऊजी को धोखा दिया। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं निकलती बासिम, ये बात अब तुम याद रखना। रंग जिंदगी के यूं बिखर हैं, ख्वाब जैसे सारे सच के ढेर हैं। ना जागा ना सोया, बातों में खोया, तेरे इश्क की चाहत में खो गया। बाऊजी, यार विकी ये लॉक खुल क्यों नहीं रहा? किसी के दिल का दरवाजा या घर का इतनी आसानी से नहीं खुलता। सुनो, हमारे पास क्या डुप्लीकेट की नहीं है कोई भी? है, लेकिन वो मिल नहीं रही पप्पू को। बाऊजी प्लीज दरवाजा खोले, कम से कम कुछ बोले तो सही। यार बाऊजी की बिना बच्चों जैसी आदतें हो गई है, नाराज होके कमरा लॉक करके बैठ जाते हैं। पता नहीं यार, देखो ना क्यों नहीं खुल रहा। हाय हाय, अरे कहीं भाभी ने फंदा तो नहीं डाल लिया? मिल गई आपको बेतला। तुझे नहीं पता, निकी बता रही थी कि बाबे ने कोई बात ना दिल पे ले लिया और कल ही फरनैल की गोलियां मंगाई थी अलमारी में डालने को। अब मुझे तो डर लग रहा है भाई। दादो मासी प्लीज। प्लीज प्लीज को छोड़ो,
ये बताओ कि बेला गड्डी लेके कहाँ निकल गई है? बासु को मिलने तो नहीं चली गई? आप चली जाए संग मॉम के पास, मैं ना सुकून से दरवाजा खोलना चाह रहा हूँ, सुकून से दरवाजा खोलने दे मुझे। तेरी मॉम को ना हार सिंगार से फुर्सत नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी का निकाह हो रहा है दोबारा। मेरा ख्याल है हम ना चलते हैं, दरवाजा बाद में खोलने की कोशिश करेंगे, चले प्लीज। ओ बूटे, ओ मैं बाजगा, तुझे पता है मैंने नहीं बाज आना। दरवाजा खोल, ये बेइज्जती दरवाजा खोल ले, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बूटे, मुझे तो लगता है कि बाबा टूट गया जी। बेली क्या करती है तू? मुझे विक्की से पता चला कि तू सोफिया के घर गई है, मुझे बताकर क्यों नहीं गई? खाला अम्मी, मेरा दिल अजीब हो रहा था। बासम से बात हुई है? हाँ हुई है बात, आ जाएगा वो। है किधर वो? दोस्त की तरफ है खाला अम्मी। इस लड़के को ना पता नहीं कब अक्कल आनी है, इन्हीं हरकतों की वजह से ना पायन रफी और निकी भाभी का भी मूड ऑफ ही रहता है। खाला अम्मी वो भी ठीक हो जाएंगे, बाबूजी ने खोला दरवाजा अपने कमरे का। कहाँ खोलना उन्होंने दरवाजा, वो तो लग रहा है चूड़ियों वाली बात दिल पर ही लेकर रह गए। अब चूड़ियां आ तो गई हैं, अब इतनी बाजी। कोई कोरियर वाला आया कि नहीं? मैंने ऑनलाइन इंपोर्टेड मास्क और स्क्रब ऑर्डर किए थे। मेरी नजर से नहीं गुजरा। बात तो सुनो, बाहर से आ रही हो, कोई सनस्क्रीन भी लगाती हो या नहीं? हैं? चार दिन रह गए निकाह में, कोई अपने बालों का, कोई स्किन का ख्याल करो, इतना सा मुंह निकला है तुम्हारा। जी मानी। बात से माया कि नहीं? वैसे ये सही बात नहीं है इसी बाजी, इतना इमेच्योर, इतना इमेच्योर। हालांकि इसे ब्रो ना पैन, उसे समझना चाहिए कि चार दिन रह गए निकाह में, बंदा घर में रहता है ऐसे गायब थोड़ी हो जाता है। तो जो दोस्त के घर है आ जाएगा। वैसे आप लोगों की शक्लों से नहीं लगता कि आएगा। बड़ी ना कोई काली जबान है इसकी, जब भी कोई गल करेगी पुठी गल करेगी। बेली एक काम कर दे, मेरा वो दूध गर्म करके ना पाइन रफी को दे दे, और उनकी दवाई पड़ी है शेल्फ पे वो भी दे देना, मैं जरा आती हूँ। हमेशा वही किया जो तुम्हारे दिल ने चाहा। तुमसे वाबस्ता लोग क्या चाहते हैं तुमने कभी सोचने की जहमत तक नहीं की। तुमने हमेशा रिश्तों को जूते की नोक पे रखा है बासिम। तुम खुदगर्ज हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो अपने निकाह से चार दिन पहले यूं ना भागते घर से, ईशा से वो बातें नहीं करते जिसकी वजह से उसके सामने मेरी पोजीशन वीक हो जाती। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो रिश्तेदारों से ऐसे बदतमीजी ना करते जिससे तुम्हारी तरबियत पे सवाल उठते। पहुंची वहीं पे खाक जहां का हमीर था। जबान बंद रख। तो जबान तो बंद कर दी आपकी बेलाबाजी ने, लगता है बहुत बड़ी सीरियस वाली क्लास हुई है आपकी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुझे अंदाजा है कि सारे कितने गुस्से में हैं और तेरे बाप ने मेरी अलग बैंड बजाई हुई है ना। तुझे क्या जरूरत थी गाड़ी बेचकर चूड़ियां लेने की? क्यों भूल गई हैं आप? यही कहा था ना आपने कि बेला चाहे माफ कर दे, मैं नहीं। तो फिर ये असली नकली का नाटक करने की क्या जरूरत थी? कम से कम सीधी बात मुझे ही बता देता। बता दी है ना, अब आप मुझे इतना बता देंगे किस किस के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगनी है। तो फिर शुरू हो गया ना?
आप मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले लेती हैं? यही कह रहा हूं ना कि मांग लेता हूं माफी, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि जितना सीधा तू बन रहा है ना इस वक्त, इतना सीधा तू है नहीं। ये तेरी दिमाग की फैक्ट्री में क्या चल रहा है बता मुझे। कुछ नहीं चल रहा अम्मी जी, निकल गए सारे कसबल, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी अब मुझसे। शुक्र अल्हम्द, ओहो माशाल्लाह, खैर से बुद्धू घर को आए हैं? इस बुद्धू की ना बतेरी क्लास ले ली है मैंने, अब आप कुछ ना कहिएगा। सॉरी कह दिया इसने। जी बेहतर, आप जरा इस नवाब साहब से ये भी पूछ लें कि अगर इसकी तबीयत नाजुक पे ग्रा ना गुजरे तो इसका जो वड्डा मामा है वड्डे मुंह वाला, उसके हजूर भी सॉरी का कलमा पेश कर रहे ताकि हमारी भी खलासी हो। सॉरी तो उसका प्यो भी करेगा है? मतलब हर बात में प्यो के सिर में ही खेल डलवा देना तुम माँ बेटा। चले किधर खेल डलवा दे सॉरी करने। उसके सिर चेक करो, कोई सट वट तो नहीं लग गई सिर में? आप चल रहे हैं या मैं चला जाऊं? या अल्लाह, हरकतें कल भी ना बंद हो जाए मेरी कहीं। वेट, फॉलो मी। जा, से इस बंदे से ना कभी कोई अच्छी बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ओ एक घंटे से कहा हुआ है दूध का, ओए अभी तक कोई नहीं पहुंचा। एक तो पता नहीं ये बेला कौन सी हवा में उड़ती फिर रही है आज। आ जाओ बेला, आ जा बेटा दूध ले आ। लो जी हाजिर है आपका मुजरम। ओए ओए नशा उतर गया इसका। आई एम सॉरी मामूजी। अब आ गया मुंह लटका के बेशरम, एहसास भी है सबके साथ कितनी बदतमीजी करके गया था। एहसास हुआ तो वापस आया हूं। बड़ी माफिया मांगी जी इसने माँ से। अब आइंदा ऐसी हरकत करे ना तो भाई दो गोल्डों में ना सिर रख के ना रगड़ दीजिएगा। मैं बोल भी गया ना तो आशिक हुसैन, एडवोकेट नाम नहीं मेरा। पता है भैया ईशा कितनी हर्ट हुई है। उसे भी सॉरी बोल दूंगा। बस अब देखे लड़का तीर की तरह सीधा करके पेशे खिदमत कर दी है आपको, अब और क्या चाहिए आप लोगों को है? भाई वो तो ठीक है आशिक, पर इसे एक मरतबा फिर पूछ ले, अगर इसे ईशा पसंद नहीं है ना तो हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा मामू जी। रहन दे, मैंने खुद सुना था बरखुरदार। वो तो अब्बा जी से मेरी लड़ाई हो गई थी इसलिए सबके साथ हाइपर हो गया। फिर भाई ने अच्छी तरह पेच कस दिए, ट्यूनिंग कर दिया, इंदा शिकायत नहीं होगी। देख ले बरखुरदार एक मर्तबा फिर सोच ले, ये तेरी जिंदगी का मामला है। मैं फिर कह रहा हूं अगर तुझे ईशा पसंद नहीं है और तो हमें कोई मसला नहीं है। ईशा पसंद है मुझे मामू जी। बल्कि आप एक काम करें, निकाह के बाद वीजे के लिए अप्लाई कर दें, मैं आप सबके साथ अब निकाह जाऊंगा। ओए ओए तू नींद में तो नहीं है? ओ बहन सुबह का भूला, शाम को लौट कर वापस आ जाए तो उसको पटोला समझ के माफ कर देते। वैसे हैरत है इतनी जल्दी काया कैसे पलट गई है। ओ निक्की बाजी, आपको ये निक्की निक्की चीजें जेब नहीं देती, आप क्या बच्चे की जान लेगी क्या? हंस के दिखा। यू ओके? हाँ। लग तो नहीं रही, कोई परेशानी है? कुछ नहीं। बेला तुम्हारी हालत देख के ना कोई अंधा भी बता सकता है कि किसी परेशानी का शिकार हो, और मेरी आईसेट 6x6 है। आ गए आप, वेलकम बैक। जरूर इसी ने कुछ कहा हो, पर इसने तो कसम खाई हुई है सबका सुकून बर्बाद करने की। मैंने कुछ नहीं कहा, बाबूजी की वजह से परेशान। इसे क्या हुआ? ठीक कह रहा है वो, बाबूजी मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। तो बाबूजी तो सबसे नाराज है, बात तो किसी से नहीं कर रहे।
लेकिन ट्रस्ट में वो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहेंगे। कोई लड़की रोते हुए इतना हसीन लग सकती है ये मुझे आज पता चला। विकी, विकी, हाँ तुम यहाँ पर हो? सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, ये कोरियर सर्विस वाला शाम से धक्के खा रहा है, घर नहीं मिल रहा, प्लीज बता दे। इतना आसान एड्रेस नहीं मिल रहा उसे। पोलाइटली बात करें। कर तो रहा हूँ सॉरी यार, तो अपना मुंह ठीक कर लो। सॉरी करने के लिए भी बेला ने कहा होगा। उसके कहने पे क्यों करूंगा यार? क्योंकि अमूमन तुम्हें तो अंदाजा होता ही नहीं ऐसी बातों का, वही करते हो जो बेला तुम्हें करने को कहती है। वो मेरे पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगी हुई। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगी हुई, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की डोर तो उसी के हाथों में है, इतना तो अब तक मुझे अंदाजा हो गया। ईशा बात को क्यों बढ़ा रही हो? बासिम ऐसा हमेशा तुमने किया, बल्कि तुमने तो फर्स्ट डे से इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कर तो चुका हूं एक्सेप्ट, कर तो रहा हूं सॉरी। बहुत ही फेक लग रहे हो। ज्यादती तो तुमने भी की है बेला के साथ, मेरा गुस्सा उस पे निकाल दिया कि कहां की इंसानियत है। हाँ तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ईशा, अगर ऐसी बात है तो मेरे रिएक्शन के पीछे भी एक्शन था। अब्बा जी ने थप्पड़ मारा था मुझे, तुम भी तो अंडरस्टैंड करो ना यार। काके सर अब जाकर बाबूजी को देख, दरवाजा लॉक करके बैठे, मैं खोल ही नहीं रहे। सो रहे होंगे अम्मी? ना इतने घंटों से सो रहे होंगे, खाना भी नहीं खाया, शुगर लो गई तो फिर। अच्छा मैं देखता हूँ। तूने अच्छा नहीं किया बेला के साथ। आई एम सॉरी, गुस्सा आ गया था मुझे। तेरा गुस्सा तो उतर गया होगा ईशा, मगर ये नहीं सोचा कि इस उम्र में बाऊजी के दिल को कितनी ठेस लगेगी। नहीं था अंदाजा मुझे कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। अंदाजा होना चाहिए था ईशा, और सॉरी भी करना चाहिए था बेला से। ईशा पसंद है मुझे मामू जी, बल्कि आप एक काम करें, निकाह के बाद वीजे के लिए अप्लाई कर दें, मैं आप सबके साथ अब निकाह जाऊंगा। बेला प्लीज लेट मी क्लियर, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लिसन टू मी, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू। क्या हुआ, ठीक तो? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूं कि तुम कितना अनयूजुअल बिहेव कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस बात को भूल चुकी हूं, प्लीज अब तुम भी इग्नोर कर दो। ठीक है जाने दिया, अब बताओ क्यों अपसेट हो? बेला की वजह से खफा है वो मुझसे। मान जाएगी, वो ज्यादा देर तक खफा नहीं रह सकती। तुम बात करो ना, तुम्हारी तो हर बात मानती है वो। वो आजकल सिर्फ अपने दिमाग की बात मानती है, मेरी नहीं। यार फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बल्कि मैंने सोचा कि पेंडेमिक के बाद ना इधर ही रहूंगा,
बाबूजी के बिजनेस संभालूंगा। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। हाँ, मॉम डैड को कोई एतराज़ तो नहीं है, उन्हें कोई मसला नहीं है वैसे इस बात पे, सच कह रहा। अली, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करूं। ओके बाय। तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? यार एक बात बहुत कंफ्यूज कर रही है। बेला की वजह से परेशान हूं। हाँ वो वजह भी है, लेकिन बासिम का बिहेवियर मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। ईशा, खुल के क्यों नहीं बता रही तुम? बासिम ने कुछ कहा है तुम्हें? तुमने कभी नोट नहीं किया कि बेला और बासिम एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते थे? हाँ तो ऑब्वियस ही बात है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, एक घर में रहे इतने अरसे से, तो ये तो नेचुरल है ना। अच्छा, तो अब उनके बीच में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बासिम बस जरा शॉर्ट टेम्पर्ड है इसलिए फॉरन रिएक्ट कर देता है। पता नहीं विकी, तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी कैसे? मैं तो कभी ऐसी नहीं हो सकती। ईशा देखो, तुम खामखा नेगेटिव सोच रही हो। याद है प्रपोजल क्या कह रही थी? निकाह में बहुत बरकत होती है, निकाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। वैसे ना तुम थोड़ी अपनी रूटीन भी सेट करो, यहाँ आके बहुत लेजी हो गई हो। हाँ यार सही कह रहे हो तुम, मैं ना कल से जॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल तो तुम 8-10 ना स्लीपिंग पिल्स लेके आराम से सो जाओ, मैं मेल कर दूँ। अच्छा, मैं अच्छी तरह तुम्हें मेल कर दूँ। ईशा, ईशा तुम पागल हो गई हो? ईशा, ईशा पागल हो गई हो? ईशा क्या हो रहा है ये? पप्पू देख ले इसे जंगली बिल्ली, निकाह के बाद ना आपके बेटे को भी ऐसी काटेगी। ईशा अपने कमरे में जा, काफी रात हो गई है। जी पप्पू। वैसे ये जो ईशा है ना, बिल्कुल मुझे सज्जो की फोटो स्टार्ट कॉपी लगने लगी है। जाहिरी बात है भाई, सज्जो सगी खाला और सगी चाची जो हुई उसकी। एक बात बताऊं आशिक साहब, रिश्ते जो है ना वो एक जैसे माहौल के बच्चों के बीच में होने चाहिए। हाय हाय हाय, इस गोल्डन कॉले इफी का बैकग्राउंड जान सकता हूं? आपके कहने पर मैं मान तो गई हूँ ईशा और बासिम की शादी के लिए, वरना वरना के आगे लगा लो फुल स्टॉप। तुम माँ बेटे ने क्या कसम खा रखी है पटरी से उतरने की? कभी वो टूसी मार के उतर जाता है, कभी तुम। ईशा से मसला क्या तुम्हें? मसला ये कि उसकी लगाई बुझाई की वजह से ना आज बाऊजी नाराज होकर कमरा बंद करके बैठ गए। मेरी हो गई है फोन पे उनसे बात, वो कह रहे हैं कि नजला जुकाम की वजह से जरा एहतियात करें, और तुम बख्श दो वही उस ईशा को। तो आप भी इस किताब को बख्श दें, आज ये कानून की किताबें कैसे याद आ गई हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस दोबारा शुरू करूँ। वैसे जितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, रिजल्ट वही आना है। बहुत अच्छा, हंसे निकल रहे तुम्हारे। याद आया मुझे फिल्म खानदान और रानी बेटी राज करेगी में, यानी बीवी जो अपने शोहर की कामयाबी के लिए वजीफे करती है, और यहाँ बकौल सज्जो यहाँ तो बदवाओं की हनेरियां चलती रहती है। बस ऐसा ना फिल्मों में ही होता है। फूफी जी, ये अल्लाह ने जो दो हाथ दिए ना, चार उंगले इधर एक अंगूठा इधर, चार उंगले इधर एक अंगूठा इधर, ये दरवाजा खड़काने के लिए ही दिए हैं। ज्यादा सयाना कान ना बन, मुझे ये बता कि तेरे फोन में वो सिस्टम है जिससे पता लगता है कि गड्डी कौन से स्टेशन पे खड़ी है इस वक्त? सिस्टम नहीं, ऐप कहते हैं पाकिस्तान रेलवे की। जो भी कहते हैं, बता मुझे ये शालीमार कौन से स्टेशन पे खड़ी है इस वक्त? मेरा गुल्लू आ रहा है ना। वो हद हो गई, कोरोना फैला हुआ, आपने मुंडा चढ़ा दिया गाड़ी पे। नाक मुंह ढक के आ रहा है, तुझसे ज्यादा सयाना है मेरा गुल्लू, और जल्दी चेक करके बता। देख रहा हूँ पुप्पी जी, गुस्सा ले रहे हैं आप, सुकून का।
हाय, मैंने ख्वाब में देखा है गुल्लू हार फूल पहन के तो ट्रेन में से यूं छलांग लगा के उतरता है। पप्पो जी, अब जागती आंखों से भी ख्वाब देखने शुरू कर दी। लो जी, सुबह ही आ रही है ट्रेन। आप ऐसा करें कि 3 शोज और देख लें आप ख्वाबों की तसल्ली से। ओ, मैंने ख्वाबों की कोई फैक्ट्री लगाई हुई है? हाँ, नहीं तो ना। ये गुल्लू जो हार फूल पहन के आ रहा है, ये वर्ल्ड कप जीत के आया भाई? ना, हज करके। वाह जी वाह, आज तो हिस्से मजा डुल डुल रही है। लग रहा है इश्क जलेबी के सारे एपिसोड देखे हैं आपने। वो ठंडा ही ले आई हैं आप। बाऊजी प्लीज दरवाजा खोलें। बाऊजी प्लीज मुझसे बात कर लें। बाऊजी प्लीज। बेबू, ये सरगी विला कहाँ जा रही हो? What? सगी विला? Very early in the morning. सचो खाला, early morning कहाँ है? 6 बज रहे हैं सुबह के। जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। देखिए ना कितना वेट गेन कर लिया मैंने। आप बड़ा कर लिया भाई। इसीलिए। बात सुनो, मास्क तो लगाओ पहले। हाँ, अच्छा कि आपने याद दिला दी। अभी लाई। इसीलिए तो इतनी ज्यादा बीमारी फैल रही है। और क्या वजह है? अंकल जी, अंकल, अंकल, क्या चौकीदार है बाऊजी का, लगता है खुद नींद की गोलियां खाकर सो जाता है। चल कोई नहीं ईशा, लॉन में ही वॉक कर ले। ओ भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम फेमस हर्बल डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम टोबा टेक सिंह। देखो मेरी बात सुनो, तुम जो कोई भी हो ना, खबरदार जो हमारे घर में आए, निकलो यहाँ से। ये क्या तरीका है किसी के घर में आने का? ओए, 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा, और फोन भी कर रहा हूँ तो कोई चौंक नहीं रहा। मेरी बात सुन लो, खबरदार जो तुम हमारे घर में ऐसे दाखिल हो गए तो। ओ मैडम, हम तो ऐसे ही आते हैं, लोगों के घरों में भी और लोगों के दिलों में भी। पीछे हट जाओ। ओ हेलो, क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें बता रही हूँ, खबरदार पीछे हट जाओ। छलांग लगाने लगा हूँ मैं। क्या? सबर करो तुम जरा। कोई रुके ना मुझे। अल्लाह अकबर। तुम्हें मैं बताती हूँ। आ तुम, ओ ये क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें दफो यहाँ से। कौन सा खोता एक्सप्रेस पे बिठा दिया तूने मेरे गुल्लू को? सारी रात मैंने जाग के गुजारी है। मैं तुम्हें कह रही हूँ निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा भूम में बुरा हाल करूंगी सारी जिंदगी। आप निकल जाओगे? नहीं निकल। और तेरा बेड़ा घर को है, मनहूस नहीं तो बगैरत। और क्या हाल कर दिया तूने मेरे गुल्लू का? है पोता है मेरा। आए आए, कैसा देसी कुकड़ बना दिया इसको। मायसेल्फ गुलफाम चौधरी उर्फ गुल्लू फ्रॉम टोबा टेक सिंह।
उठा अपना बस्ता ते चल अंदर। दादो तौलिया है। सॉरी चौधरी जी। Hey you boy, why did you not take the day train? है? हाँ वो सच जगह मतलब है कहने का कि ट्रेन में रात तो बेरामी से गुजरी होगी ना बेटा तुम्हारी। और नहीं भुपो जी नहीं, कोई बेराम नहीं गुजरी। मैंने तो 4 फिल्में देखी हैं, 2 उर्दू की और 2 अंग्रेजी की, नहीं 1 पंजाबी की भी थी। वैसे ना मैं बड़ा शौकीन मजाज हूँ। आओ तो तेरे हुलिये तो लगन दिया। आओ तो सही ना तुसी। ओ कौन सा प्राइम मिनिस्टर आ गया है भाई जिसकी खातिर सुबह की नींद बर्बाद कर दी। ओ शर्मो हया का काटा, तेरे जैसे बदीद चाचे जो होते हैं ना बड़े शहर में आके तो आंखें मत्थे पे रख लेते। ओए ओ कूटने हो तू, ओ बैगी शर्ट खटी कमीज, तू तो बरकी मदानी बन गया है। ओए कौन सी फक्की खा के चर्बी पगलाई है एक्स मोटे है? चाचे सारा ना नुस्खा शिफा का कमाल है। 10 ग्राम अदरक को 1 लीटर पानी में भिगो दें, उसके बाद सुबह निरने पे कटाकट करके पी जाएं, आपकी चर्बी ऐसे पिघलेगी जैसे धूप में ना मोमबत्ती पिघलती है। वाह भाई, ऐ पप्पू ने तो तुझे रंगीन हकीम बना दिया। चाचा दिल ही तोड़ दिया मेरा। वो हकीम नहीं, हर्बल डिप्लोमा होल्डर। हाँ कैनेडा में कोई ऐसी बोगस रेमेडीज को लिफ्ट नहीं कराता। वे फुफी नू लैन आया, ले जाड़िया उधरी दी। नहीं फुफा जी नहीं, दादी को लेने तो नहीं आया मैं, दादी ने तो खुद मुझे बुलाया है एक प्रपोजल के लिए। पुत्र शरबत पी ले, लंबा सफर था ना। नाश्ता ला रही है मैं? ओ नहीं आंटी नहीं, ओ मैं ना दरअसल वो पीता हूँ फ्रेश मिंट लाइम विद सोडा। नाश्ते वाले डैड इधर आए ना, ये देखिए क्या आया है। ये पाकिस्तान में लोगों को ना तमीज ही नहीं है, वो इस तरह कौन आता है सुबह सुबह और वो भी बगैर बताए हुए। मौत का फरिश्ता भी ना बताए बगैर आता है, समझ आई? तुम लोगों ने तो बूटे के नाम पे लीक डाल दिए। सिर्विंगी लीक। मेरी ऐसे ही होती है। याद कर कैसा रौनक मेला होता था इस कार में तेरी माँ के जमाने में। आप रफाकत अंकल है ना? वाह तेरे गुल्लू हैं, मैं चाचा ये अंकल, डालरों की बरकतें हैं जी बस सारी। ओए वो तेरी नाग जो है ये तो बिल्कुल ही फूफी के खानदान पे गई है, और ये कोई तेरा पोता तो नहीं है? ओए गुल्लू चौधरी। ओ कोई मुझे भी बताएगी सुबह सुबह सारा जुलूस किस बात पे इकट्ठा हुआ है? ये तेरा ही जुलूस निकालने आया है। कौन? मेरा पोता टोबे से। शोखी जी कमीज पाके। हाँ तो जमजम आए 100 बारी आए। बेटा सदाकत अंकल से मिलो ना। सदाकत अंकल मुझे लगता है आपको ना गैस का मसला है। लो जी लिखो फिर, 10 ग्राम कलवंजी, 10 ग्राम काला नमक, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम अजवाइन। उसको आपने पकड़ के ना कोट लेना है। और सुबह निर्णय मुंह आपने खा लेना है, ये मसला हल हो जाएगा। हकीम साहब एक दफा फिर बताना जरा। अब तो मैं खुद भूल गया हूँ। और पता लग गई क्यों मैं दे प्यो नाल मंगनी तोड़ी सी। हाँ जी किस्मत का सिकंदर निकला गुलाम मुर्तजा चौरी। और भाई कोई बूटे को बताओ मेरा पोता आया है। बासिम और बेला कौन से खुद में है? और तमीज नहीं मेहमानों से कैसे मिलते हैं आके? पप्पू जी बासिम की तबीयत खराब है और बेला भी सो रही है। हाँ तबीयत तो बासिम की वाकई खराब है, बहकी बहकी बातें कर रहा है कल से। वो तो पप्पू जी मुझे बताए ना, हर बीमारी का इलाज है मेरे पास। हाँ तो फिर जल्दी से बाबूजी से मिलवाए ना इसे, मुझे तो लगता है कल से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओ शुक्र है जी आपने भी को हुजरे का दरवाजा खोला है, बाहर है जरा बचाने हैं इसको। है याद है इसकी पैदाइश के बाद चांडू तारी थी आपने तो 2 काठे लग गए थे। दो अस्सलामुअलैकुम। खांसी का ना बड़ा ही मुजरब नुस्खा है मेरे पास। डोले झोले बढ़ाए पुत्र ने ठंड मारे सीने जला।
बड़ा पछाद है जी। क्या बात है जी। मुंडा किधर है? तू फकी देगा ना तो ठीक हो जाएंगे। आ जी उठो भाई, उठे चल, आ बैठो बैठो। ये कौन है यार जी? अपना बच्चा है आपका, बैठ बैठा। अच्छा बस। सोशल डिस्टेंसिंग के करनी है सोशल डिस्टेंसिंग। हर कोई तो मुंह से चढ़ी आंदा है के सच्चो हौली बोल। ओ पुप्पी बाजगा ने सुन लिया ना तो गले मुसीबत पड़ जानी है मरे। हाय बाजी, मैं तो कहनी हां शुक्र है पुप्पी बाजगा ने सिर्फ गुल्लू को बुलाया, उसके मां-बाप को नहीं बुला लिया। ले उसके पियो गुलाम मुर्तजा को फिर कबाड़खाने से फुर्सत मिलेगी तो वो निकलेगा ना। बाजी हां, मैनू ए दसो कि वो जड़ा गुल्लू हैगा है छोटे होंदे उन्हों दमे दे दौरे नहीं सर पैंदे? कुपे बख्तियार ने करा लिया होगा उसका इलाज विलाज। अच्छा मेरी बात सुन। आहो वो बेला के निकाह पर कौन सा वाला सेट डाल रही है तू? आए हाय, पहला तुसी तो सेट हो जाओ फिर सेट भी दिखाती हूँ। आपके ऐसे ऐसे तमूड़ियों ने काट लिया आपको। तू किसी तमूड़ी से कम है, है? और पिछली बात याद करा के ना गुस्सा ना दिलाना मुझे। बाबूजी की तरह रोज चाहते हो तुसी। हाँ तो ठीक है ना, उनकी तरह खरी और साफ दिल की जो हूँ मैं, फेरा फेरिया नहीं आती मुझे। आए बाजी, हेरा फेरी का दी है? आप तो बाहर रहती हैं, आपको तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई आजकल के बच्चों पे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अब नहीं उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपस में तो मैं क्या कर सकती हूँ। मानी, खाला मी को देखा है? तेरी खाला आफत की परकाला गई है प्रिंस बासम के कमरे में, अभी देखा है मैंने जी। बेला बासुन, वो पुपी बाजगा के पोते गुलफाम को देखा है तूने? नहीं, कब आया वो? जरा आंखें खोल के रखा कर बेटा, तेरा ध्यान किधर रहता है, है? सॉरी मुमानी, मैं थोड़ा देर से उठी थी आज। आए बाजी ना करे अगर उसको कंफ्यूज है, छोटी सी चिड़िया है अपने काम से काम रखती है, है ना? तो जाओ देखो जाके अपनी खाला को। चला फिर सेट देखना ही उन्हें बखावा के ठहर के उन्हें बखा। ना तुझे बुखार कैसे हो गया अचानक? अचानक नहीं हुआ, गला खराब है कल से। मैं तो आई थी कि तुझे कहूँ आकर वो मिल ले गुल्लू को, बाजा पप्पू का पोता आया है ना, पर तेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? जाहिर है निकाह में शरीक होने। निकाह तो 2 दिन बाद है, वो आज ही आके टपक पड़ा। काके, घर में मेहमानों के बारे में ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। घर का होटल ज्यादा लगने लगा है, जो भी आता है वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। खाला मी, खालू जान कह रहे हैं कि आज बड़े के पाए बनाते हैं। ठीक कह रहा है बासम, तुम्हारे खालू जान को लगता है कि मैं यहाँ पर होटल चला रही हूँ? कह दो उन्हें रॉकेट से कह के बाजार से पाए मंगा लें, मैं नहीं यहाँ से हिल रही, इसकी तबीयत खराब है, मैं इसके पास ही बैठी। बासम को क्या हुआ है? बुखार है बस। बाकी एक काम कर बेली, वो 2 अंडे उबाल के ना चाय के साथ ले आ, उसे कुछ तो खिला दूं मैं। ठीक है। ईशा को कह देना अच्छी बनाती है चाय। वैसे दादी, लड़की तो बड़ी पटाखा ढूंढी है आपने मेरे लिए। बस तेरे पास सिर्फ 2 दिन है, इसको पटा ले वरना ये पटाखा किसी और के सर पे फूट जाना। दादो 2 दिन में क्या होता है? हाय, तो तेरे दादे बख्तियार अहमद ने 2 घंटे में मुझे पटा लिया था, और मेरी तो अच्छी खासी और रशीद है ना नंबरदार, उससे ब्याह होना था। और ये दादे वाले दाम मुझे नहीं आते, 2 घंटे में पटा लिया था। बेला नजर नहीं आ रही, ये किधर है? वो छोड़ उसके नाम पे मैंने काटा फेर दिया। मैं तो कहती हूँ इस किशमिश को कहानी डाल दे, और मैंने ख्वाब में वैसे भी देखा है कि मेरे सर पे ताज है। वाह भाई वाह, कोई आपके सर पे ताज नहीं होगा, मेरे हाथ में कुंडी डंडा होगा। और मुझे नहीं शौक अंग्रेजों के कपड़े धो के नील दूं और फिर मैं चोर निचोड़ के तारों पे डालूं। हा हाय, और वहां सारे काम मशीनों में होते हैं पागला। सारे काम मशीनों में नहीं होते,
कुत्ते तो खुद ही नहलाने पड़ते हैं। तो बस तेरे नसीब में ना तेरे वो दादे का डंडा कुंडा मजरून कोट या फिर अपने बाप के कबाड़ खाने का हिसाब किताब कर, लानत है तेरी शक्ल। तो दादो क्या बुराई है इसमें, अकल हल्का कमाते हैं, राती सही नींद सोते हैं सुकून की। और तुझे तो लाहौर भेज के ना बड़ी गलती की हमने, बहुत ही पर निकल आए तेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो आप हैं बेला जी? आपकी आंखों के नीचे हल्के नजर आ रहे हैं मुझे, वो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। लिखें, एक चम्मच टमाटर के जूस को एक चम्मच लीमू के रस के साथ मिक्स करना है आपने ऐसे, और 7 दिन लगाना है आपने ये हल्कों के नीचे ये यहाँ पे। उसके बाद फर्क ना ना पड़ा तो गुलफाम चौधरी का नाम बदल के ना बदनाम चौधरी रख देना आपने जी। वो नानू नाश्ता लग गया है, उसके लिए बुलाने आई थी, आ जाइए आप लोग। अच्छा अच्छा आते। दादो इसने तो घास नहीं डाली। बस मैंने तुझे यहाँ रिश्ते के लिए बुलाया है, तू अपनी दुकान खोल के बैठ गया। दादो वैसे लड़की ये भी प्यारी थी, क्यों ना मैं दोनों के नाम की पर्चियां डाल दूं, फिर देखता हूँ चौधरी गुलफाम किसके नाम निकलता है। तेरी पर्ची नहीं निकलनी, तूने निकलना है यहाँ से जलीलो ख्वार होके। दादो चैलेंज ना करे मुझे, इंशाल्लाह चौधरी बख्तियार का रिकॉर्ड तोड़ के जाऊंगा यहाँ से मैं। वैसे क्या बताया आपने, दादाजी ने 2 घंटे में बसा लिया था आपको, ओ आप तो बड़ी हल्की निकली है। तू निकल यहाँ से, उठ उठ निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और तेरी जैसी जो शक्लें होती है ना वो टांगे तोड़वाती हैं, रिकॉर्ड नहीं तोड़वा सकती। निकल, जा रहा हूँ। उठ, नाश्ता करने जा रहा हूँ मैं बेला के पास। जा दफा हो यहाँ से, मुसीबत बुला ली मैं। हाय नाश्ता तो मुझे भी करना है। बासम चलो उठो चाय पी लो। रख दो। तुम्हारा टेम्परेचर कम हुआ है? तुमने मेडिसिन ली थी? मेरी उस दिन की बातों का माइंड किया है तुमने? नहीं। अस्सलामुअलैकुम बासम भाई, पहचाना नहीं पहचाना ना? गुलफाम चौधरी फ्रॉम टोबा। क्या हाल है गुलफाम भाई, कैसे हैं? सॉरी भाई अम्मी ने बताया था लेकिन तबीयत बड़ी खराब है, हिम्मत ही नहीं है। ओ ना भाई ना, हाथ नहीं मिलाना, हालात बहुत खराब हैं, कोरोना, इधर तुमने मेरा हाथ खींचने उधर अस्पताल वालों ने मुझे खींच लेना। अरे नहीं इट्स ओके, बैठो यार। ट्रेन में बैठते ही आया हूँ यार, अब तो मैंने अपने आप को फ्रेश करने के लिए ना ये बनाया कावा, इसमें मैंने डाला है नमक शहद और लीमू और अदरक भी डाला है, तुम्हारे गले को ना बड़ा आराम देगा, ये लो पी लो। नहीं मैं बासन के लिए चाय लेके आई। नहीं कावा ही पीऊंगा। और तो कैसी चल रही है लाइफ? अब मैं तो एंजॉय द लाइफ कर रहा हूँ भाई, दादी ने मुझे कहा कि तुम्हारे कजनों का ब्याह है जल्दी पहुंचो, मैंने 2-4 अच्छी अच्छी शर्टें खरीदी और पहुंच गया। अच्छा किया, बचपन में हुई थी मुलाकात लेकिन तब तो ऐसे नहीं थे भाई, बंदे का कोई पता चलता है। वैसे ना तुम्हारा बुखार उतारने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त किस्म का नुस्खा है, को तो मैं अभी बना के लाऊं। नहीं, नहीं मैंने भाई मेडिसिन ले ली, शुक्रिया। बैठो, दूर होके बैठ जाओ। हाँ कोरोना चल रहा है ना। हाँ भाई और बताओ बासम भाई, जलेबी सेंटर कैसा चल रहा है, कोई नवी आइटम तैयार की थी है कि नहीं? अब हाँ है, काफी नई आइटम है अल्लाह का शुक्र। मर के